और चलिए जी, सारी तैयारी हो गई है, बस फ्राइड आइटम्स भी हमारे चने आ गए। स्पेगेटी मैंने घर पे बनाए, फ्रूट चाट रेडी कर लिए, बाकी फ्राइड आइटम्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो मसाज मैंने अच्छे से कर ली है और मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और ग्लोई दिख रही है। ग्लास स्किन अगर आपने हासिल कर, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मजे में होंगे। तो आज है दूसरी इफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह, और ये रही जी उस्मान है हमारे साथ। बास्केट मैंने निकाल के रख दी है, अभी जो है फ्रूट की चाट बनानी है जो कि ऑरेंज जूस से बनाऊंगी। सही है, और स्पेगेटी बना के एक तरफ रखती है। और मीरा बाबा रानी हाय कर दो, फट से मैं फ्रूट की चाट बना लूं, फिर आपको दिखा दूं। और मैंने फ्रूट चाट बना के रख दी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, इसको फ्रीज करने के लिए रख दिया है, जब तक इफ्तार में टाइम है तो ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। और फ्रूट भी कट करके रख दिए हैं, काम रह गया है जो कि अस्मा फ्राई पे लग चुकी हैं, जल्दी फ्राई हो जाए, फिर इफ्तार का वक्त हो जाएगा और मैं जल्दी से शरबत बना लेती हूँ। तो यहाँ पे रोल जल्दी फ्राई कर लें, ठीक है, और इसके बाद जो है बस अब इफ्तार में थोड़ा सा टाइम रह गया, मैं जल्दी से शरबत बना लूँ। स्पेगेटी जो है तैयार करके रख दी थी, बस सारा दस्तरखान जो है अभी सजाना है। चाट वगैरह आ गई है बाहर से, तैयारी हो गई है, बस फ्राइड आइटम्स भी हमारे रेडी हो चुके, सब कुछ रेडी कर लिया है। रोटियाँ अम्मी ने बना ली हैं घर की, ठीक है, घर की रोटियाँ खाते हैं शहजाद, और बाज़ार से चपली कबाब मंगवा लिए, चने आ गए, स्पेगेटी मैंने घर पे बनाए, फ्रूट चाट रेडी कर लिए, बाकी फ्राइड आइटम्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तारी हो चुकी है, ठीक है, अभी जो है मगरिब की नमाज पढ़ के फिर जो है मैं चाय पीऊंगी, जी तो पाकिस्तान आएगा आराम से बैठ के, जी तो पाकिस्तान। फिर कल की इफ्तार की प्रिपरेशन अभी से ही करके रख देंगे, क्योंकि अभी सारे 8 बजेंगे और गैस चली जाएगी, सबके साथ ही यही मसला हो रहा है गैस की प्रॉब्लम, फिर रात को सहरी में आती है, फिर नमाज पढ़ पढ़ के थक जाते हैं तो ज़्यादा हिम्मत नहीं होती। पहले मैं अभी डिसाइड कर लूँगी इतना टाइम बैठ के कि कल के लिए क्या प्रिपरेशन करनी है। कल मलाई बूटी कह रही, तो मलाई बूटी बना लूँगी इफ्तार में। चले जी, तो अब नमाज पढ़ के जल्दी से चाय पी लें, इतना खाती है पता नहीं ज़्यादा, इफ्तार में इतना खाया नहीं है, पकौड़े में चाय के साथ ही खाती हूँ। मील होती है मेरी, ठीक है, इफ्तार के बाद ये, ठीक है, पकौड़े, इमली की चटनी, चाय और रोटी। तो ये चले पहले हम खा लें, हैं अभी बाहर, ठीक है, मीरब को लेके थोड़ा बहुत आउटिंग पे, आउटिंग करने जा रहे हैं। उस्मान भी हमारे साथ चल रहे हैं, हमें भी चलो झूले में बैठने जा रहे हैं, मीरब को झूले में बिठाने जा रहे हैं, सॉरी बैठने नहीं जा रहे हैं। और तो अभी जो है इशा की नमाज का टाइम है, हम बाहर से आ चुके थे, भाई को शेक पीना था, वो भी बना के दे दिया था, और अभी जो है कुरान शरीफ पढ़ लूँ, क्योंकि सारी चीज़ों के एक साथ टाइम देना पड़ता है, इबादतों को भी और रूटीन भी। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं मुझसे जितना हो सके अपने रोज़े में डेली की अपनी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बाकी के दिनों में भी, बाकी के दिनों में भी बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, बट मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं थोड़ा थोड़ा करके कुछ भी करके अपनी रूटीन शेयर करूँ। तो रमज़ान में तो बाकी सारी चीज़ों का खुद ब खुद टाइम मिल जाता है, खाना बनाने के भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल होता है, और फिर सारी इबादतें भी पूरी करनी होती है, पूरी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और कुरान शरीफ भी मैं पहले से पढ़ से शुरू करती हूँ, और 3 रोज़े तक जो है सूरह यूसुफ़ पढ़ी है, तो अभी जो है मैं सूरह यूसुफ़ पढ़ रही हूँ, फिर इसके बाद जो है सहरी की तैयारी,
सहरी के लिए जो है कॉर्मा बना के रख दिया था पहले से, क्योंकि इफ्तार के फौरन बाद गैस चली जाती तो वो मैंने फौरन बना के रख दिया था। इसके बाद जो है अब जिनको पराठे खाने हैं तो पराठे मैं और अम्मी रेडी कर लेंगे, फिर हम सहरी की तैयारी करते हैं। जल्दी से पहले मैं कुरान पढ़ लूँ फिर इसकी। और चले जी, तो सहरी का टाइम स्टार्ट हो गया है, ठीक है, झटपट से हम तैयारी कर लें। कौरमा जो है गर्म करने के लिए रख दिया है, कौरमा बना के रख दिया था जल्दी, ताकि जो है इस वक्त हमें प्रॉब्लम ना हो। चाय एक तरफ बनने के लिए रख दी है, आज दूध समय नहीं बना रहे, लस्सी बना के झटपट से रख दूँ। और शहजाद को अंडा खाना है तो अंडा फ्राई करने चले। चले जी, तो कौरमा गरम गरम मेल तैयार है सहरी चुके और चाय भी आ चुकी है। इसीलिए सहरी आज हमने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ रोज़े रह गए हैं। ब्यूटी वाइंड का सिरम यूज़ कर रही हूँ और हेयर ऑयल पर जो है हमारी बहुत अच्छी सेल अभी भी लगी हुई है और पूरा रमज़ान लगी रहेगी, ईद पर भी लगी रहेगी, आफ्टर ईद जो है ये सेल ख़त्म हो जाएगी। अगर आपने हेयर ऑयल ऑर्डर नहीं दिया तो जल्दी से झटपट ऑर्डर दे दें। अभी मैं अपने फेस पे फेस सीरम लगा रही हूँ ब्यूटी वाइंड का, और उस पर अब सेल इंशाल्लाह 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 डिसाइड कर रहे हैं कि सेल लगानी है और कितनी लगानी है, क्या क्राइटेरिया रखना है, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस हो रही है, वो काम भी साथ साथ देख रहे हैं। अभी फटाफट मैं फेस मसाज कर लूँ क्योंकि कल मैंने नहीं किया था, स्किप कर दिया था, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और सो गई थी। चलिए जी, तो फेस मसाज करने से पहले जो है आपके हाथ बहुत अच्छे से साफ़ सुथरे होने में चाहिए, ठीक, कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप मॉइस्चराइजर लगाना चाहें, बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, तो पहले मॉइस्चराइजर लगाएं फिर आप सीरम को अप्लाई करें, ठीक है। तो अब जो पहले मैं अच्छे से एप्लीकेशन कर दूंगी, इसके बाद जो है मैं फेस मसाज। अच्छा, ये जो है सीरम फेशियल सीरम भी है, फेशियल मसाज जो है आप इससे अच्छे से कर सकते हैं। ये मसाज मैंने अच्छे से कर ली है और मेरी स्किन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और ग्लोई दिख रही है। ग्लास स्किन अगर आपने हासिल करनी है तो आपने फेशियल सीरम जरूरी है आपके लिए। आप फेशियल मसाज आप डेली करें, ठीक है। आपकी जो है कोरियन क्यों उनकी क्यों ग्लास स्किन है, क्योंकि वो अपनी स्किन के बहुत अच्छी करते हैं, ठीक है। अपनी स्किन का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, बालों का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखें। और ये रहे जी मेरा अच्छा रिजल्ट, आप सबके सामने है, बिल्कुल फेयर रिजल्ट है, हॉनेस्ट रिव्यूज है, और इतना अच्छा सीरम है, क्या बताऊं कि फेशियल मसाज के लिए आपके लिए कोई ऑयली सीरम चाहिए होता है तो ये वही आपके लिए काम करता है। तो चले जी, अब जो है मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ लूँ, फिर इसके बाद जो है मुझे मलाई बोटी के इंग्रेडिएंट जो है मैरिनेट करके रखने कल इफ्तार के लिए। बहुत से ख्याल है कि ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।